अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रहें। कुक विद रूमी में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं बना रही हूँ गोल गप्पे। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम पूरी के लिए डो तैयार कर लेते हैं। 1 कप सूजी ले लिया है मैंने, बाउल में डाल दूंगी। 2 टेबल स्पून भर के मैंने मैदा लिया है, इसे भी बाउल में डालेंगे। नमक हसबे ज़रूरत। 1/4 टीस्पून मैंने मीठा सोडा ले लिया है, ये भी डाल दूंगी। मिक्स कर लूंगी। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं सूजी में। पानी ले लिया है, इससे मैं डो तैयार करूंगी। नॉर्मल पानी है ये, थोड़ी सॉफ्ट डो तैयार करनी है। देखें कितनी सॉफ्ट डो तैयार की है मैंने। अब मैं इसे कवर कर दूंगी गीले कपड़े से। 20 से 25 मिनट छोड़ दूंगी इसी तरह। अब मैं इमली की चटनी बनाऊंगी। उसके लिए 300 ग्राम गुड़ लिया है मैंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 गिलास पानी डालूंगी। 1 कप इमली का पल्प है। 1 टीस्पून भुना हुआ और पिसा हुआ ज़ीरा है, ये भी डालूंगी। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून सौंठ का पाउडर। 1 टीस्पून चाट मसाला। 1 टीस्पून लेवल करके नमक। 1 टीस्पून काला नमक। मीडियम हाई फ्लेम पे पका रही हूँ मैं इसे, जब तक ये थोड़ा थिक ना हो जाए। इमली की चटनी काफ़ी थिक हो चुकी है, फ्लेम ऑफ कर दूंगी मैं और इसे ठंडा कर लूंगी। ये ठंडी होके थोड़ी और थिक हो जाएगी। 25 मिनट हो चुके हैं मुझे रखे हुए डो को। डो को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है मैंने। एक हिस्से को इससे मैं पेड़ा तैयार करूंगी। थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिया है, अब मैं बेल लूंगी। डो से मैंने बड़ी सी रोटी तैयार कर ली है, इसे बहुत पतला बेलना है हमें। राउंड कटर ले लिया है मैंने, इससे मैं कट कर लूंगी। एक्स्ट्रा डो जो हमारे पास बची है उससे भी मैं मज़ीद गोलगप्पे और तैयार कर लूंगी। ऑयल गरम हो चुका है, इसमें मैं गोलगप्पे डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कट करने के बाद मैंने गोलगप्पों को एक दफ़ा बेल लिया था हल्का सा। साइड चेंज कर दूंगी। गोलगप्पे में अच्छा सा कलर आ चुका है, निकाल लेती हूँ मैंने। बाकी गोलगप्पे भी मैं फ्राई कर लूँगी।
गोलगप्पे मैंने फ्राई कर लिए हैं, इन्हें मैं निकाल लूँगी और चलें अब खट्टा पानी बना लेते हैं। पानी बनाने के लिए 3 गिलास ठंडा पानी ले लिया है मैंने फ्रिज का। हाफ कप इमली का पानी है ये। 2 पिंच अजवाइन लिया है, इसे मैंने रोस्ट करके पीस लिया है, ये डाल दूंगी। 1 टीस्पून भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा, 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, सौंठ का पाउडर लिया है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून नमक, 1 पिंच टाटरी ली है मैंने, ये पूरी तरह ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें वरना इसे स्किप भी कर सकते हैं। मिक्स कर लूँगी, खट्टा पानी तैयार है, चलें अब हम गोलगप्पे को सर्व करते हैं। चने बॉईल करके रखे थे मैंने वो डाल दूँगी, आलू, दही बीट करके रखी है मैंने, थोड़ी सी चीनी डाल के दही को बीट कर लिया है, इमली की चटनी, पानी, खट्टा पानी जो मैंने बनाया था, देखिए गोलगप्पे हमारे कितने क्रंची बने। गोलगप्पे सर्व करने के लिए तैयार हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ओके व्यूअर्स।